अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ रेसिपी में आज मैं आपको पसंदा बनाना बता रही हूँ, जिसे पारचा भी कहते हैं। ईद उल अधा का मौका है, बकरीद के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग अलग बना के खाने का दिल होता है। एक जैसी रेसिपी से थोड़ा सा हटके भी कभी कभी कुछ खाने का मन होता है, तो इसके लिए आज मैं आपको पसंदा बनाना बताऊँगी। ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसके लिए आपको रूखा गोश्त चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल पतला। ये देखें, अगर आपके इस तरीके से रहे, मोटा भी रहे, तो आप इस तरीके का किचन हैमर मिल जाता है। ये देखें, मैंने अभी इसी से कुछ ली थी, ये देखें सब चर्बी लगी हुई है। इस तरीके का किचन हैमर मिल जाता है, आप इस तरीके से इसको कुचल दें। ये देखें, ये तकरीबन 300 ग्राम पसंदा है। इसके लिए मैंने ली हूँ ये मसाला, आपको मैंने मटन मसाला बनाना बताई हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक चम्मच ली हूँ मैंने, एक चम्मच भुना हुआ बेसन है, आधा चम्मच से भी कम, अने हस्बैंड जायका समझ लीजिए आपको नमक लेना है, क्योंकि इस मसाले में भी नमक है। और ये गरम मसाला एक चौथाई चम्मच है, और ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये काजू और चार मगज का पाउडर है। तो ये आपने काजू, चार मगज और खसखश, तीनों चीज़ को हल्का भून कर थोड़ा ठंडा होने के बाद में आपको पीस के इसको फ्रीज में रख देना है। जब आपको ज़रूरत हो आधा एक चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा पीसने में मिक्सर में आता नहीं, और अब सिल बट्टे का ज़माना भी नहीं है, तो आपने इसको मिक्सर में पीस के रख सकते हैं। और ये कोथमीर गार्निश के लिए पानी ली हूँ, और हम इसमें तेल डालेंगे। अभी हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मटन को आप इसमें डाल दें। ये 300 ग्राम मटन है, ये देखिए, आप इसमें ये मसाला डाल दें। नमक, गरम मसाला, बेसन, बेसन भुना हुआ लेना है आपने, और ये काजू खसखस और चार मगज का पाउडर, ये चीजें इसमें आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरे हाथ साफ है, किचन में जब भी काम करने खड़े रहे। माशाल्लाह अच्छा जोश आ गया है, अभी इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे, क्योंकि गोश्त का भी अपना पानी है, और ये मसाला सब डाला हुआ इसी में ये गोश्त गल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने काजू, बेसन सब डाले हैं ना, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब इसको स्लो आंच में हम थोड़ी देर पकाएंगे, पानी सूखने तक, उसी में ये सूख भी जाएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा सा पानी है इसमें, देखते हैं गोश्त गला या नहीं है, थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर दें। आप इस कढ़ाई पर इसे बनाए, एक अलग अलग एक जैसी रेसिपी हम बनाते ही रहते हैं, वो तो मज़ा अपनी जगह है, थोड़ा सा कुछ हटके। और मैं कोशिश यही करती हूँ आप लोगों के लिए कि जो भी मैं रेसिपी आपको बताऊँ उसमें सामान आपके पास घर में मौजूद हो, कोई चीज़ की परेशानी नहीं हो, ये नहीं है तो हम कैसे बनाएं, वो नहीं है तो कैसा बनाएं। मेरी कोशिश बस आप लोगों के लिए है कि आपको कोई भी चीज़ बनाने में परेशानी ना हो, आपके पास तमाम सामान घर में आसानी से मिल जाए। बस इसे हम थोड़ा सा और भून लेंगे, उसका पानी है इसमें देख सकते हैं आप, थोड़ा सा और भून कर ये गैस में बंद कर देंगे। माशाल्लाह मसाला सूख गया, पानी सूख गया है, और खूब अच्छी खुशबू भी आ रही है, और ये आपको तेल इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा कि मैंने नॉन स्टिक में बनाई है। ये देखो पूरा पानी सूख गया है, आप देख सकते हैं। अब इस गैस बंद करके इसको मैं उतार लेती हूँ। पहले थोड़ी सी हम कोथमीर डाल देंगे इसके अंदर, कोथमीर के बगैर तो कोई भी चीज़, दाल या चटनी हो, कोथमीर तो ज़रूरी है।
गया हमारा पसंदा तैयार। पसंदा तैयार है, पसंदा मसाला भी बोल सकते हैं इसे आप, या पारचा पसंदा, पारचा मसाला। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं। इस ईद पे मज़ा, आप ईद का दुबाला करें, आप इसे बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसे बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।